उत्तर प्रदेश की जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद के थाना सफदरगंज स्थित ग्राम पंचायत सैदनपुर निवासी चुन्ना पुत्र मस्तीम मोहल्ला तकिया ने अपनी पुत्री की शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व सलाउद्दीन पुत्र हाफिज निवासी मोहल्ला तकिया सैदनपुर से किया था। काफी दिनों से सलाउद्दीन व उसके परिवार वाले चुन्ना की पुत्री से निगाह होने के बाद ससुराल वाले अपने घर पर रखना ही नहीं चाहते, जबकि उसका एक बेटा भी है। लड़की का पिता अपनी पुत्री की बीमारी को लेकर काफी चिंतित है, जो कि उसकी बेटी सुबीना की हालत बहुत ही नाजुक है। थाना सफदरगंज पुलिस के द्वारा कई बार फैसला भी किया गया, लेकिन कोई समाधान चुन्ना अपनी पुत्री सुबीना को नहीं दिलवा पाया। बेचारा पिता दर दर भटकने पर मजबूर है। अब देखना है कि थाना सफदरगंज पुलिस व पुलिस प्रशासन सुबीना पुत्री चुन्ना को क्या न्याय दिलवा पाती है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हैं? सैदनपुर। और तहसील क्या है आपका? सिरौली गौसपुर। जिला? बाराबंकी। ये जो आपकी लड़की का मामला है जी, ये आपने अपनी लड़की का शादी कितने दिन पहले किया था? हो गए 4 साल। 4 साल जी। तो 4 साल में और कहाँ पे किया था शादी? अपने घर पे। नहीं, घर पे किया था लेकिन लड़की की ससुराल कहाँ पे है? गाँव मोहल्ले में है। गाँव में? मोहल्ले में। घर से कितनी दूरी होगी? अरे मोहल्ले से 4 घर बाद में है। 4 घर बाद में जी। तो लड़की को वो लोग सही सुचारू रूप से रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्या कमी है? कमी क्या, उसके उसकी माँ कहती है कि यहाँ नहीं लेके आना। क्यों नहीं लेके आना? कभी कारण पूछा आपने? हाँ, कि अब क्या आप जैसे किया हो इसे ले जाओ, हमारे वहाँ नहीं लाना लड़की को। नहीं तो उसका कारण पूछना चाहिए कि आखिर क्या कारण क्या है, क्यों नहीं लेना जाना? भाई हमने शादी किया है, खर्चा किया है, क्यों नहीं हम ले, मतलब अब वो ले नहीं जाना चाहते कुल मान के चलो। इतना लड़की की हालत तो आप लोग देखी चुके हैं कि लड़की की स्थिति कितनी नाजुक है। हाँ, तो इसके बावजूद आपने कभी पुलिस में कंप्लेन किया? जी किया हमने। तो इसके पहले जो आपका एक समझौता हुआ था जी थाना सफदरगंज अंतर्गत, SI कौन थे? विजय सिंह जी। कौन से थे? विजय सिंह थे। तो विजय सिंह के द्वारा जो समझौता हुआ था जी, वो किस तरह का समझौता हुआ? कि मान चलो इसको 6 महीने को चचा इसको मौका दो और ये जा रहा विदेश, विदेश से लौट के आएगा तब ये फिर ले जाएगा। 6,000 रुपये महीना देने को कहता था, ठीक। और इन्होंने जितना अब झूठ बोल के कहा था कि हम इतना पैसा दिया और हमारी बिटिया के पास इतना पैसा आया नहीं। नहीं, जैसे कह रहे बोला था कि 6,000 रुपये मैं प्रतिमाह दूंगा। हाँ, तो क्या ये प्रतिमाह आपको 6,000 रुपये बेटी को दिया? नहीं दिया। नहीं दिया? हाँ। एक भी महीने नहीं दिया? नहीं, दो बस केवल कुल मान के लिए कि 18,000-20,000 रुपये आया तो लौट के कभी हमारी अम्मा का दिया हो, कभी हमारे अब्बा का दिया हो, इतना से वो हमारी बिटिया निकाले फिर दिया वो इनका। अच्छा, अकाउंट जो सुबीना के नाम था, आपकी बेटी का नाम सुबीना ही था ना जी? तो जो सुबीना का अकाउंट था किस बैंक का था? पंजाब का। पंजाब का था। तो उसमें जो पैसा इसने 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह भेजा, तो उसमें लड़की से पूछा आपने कभी पूछा कि पैसा किसको दिया या आपको मिला, कैसे कभी पूछा आपने? नहीं, हमने पूछा नहीं, मगर ये बताया करती थी कि अम्मा रुपया उन्होंने भेजा है और सलाहुद्दीन कही नहीं कि हमारी अम्मा दिया हो 10,000। अच्छा। हाँ, अच्छा, जो आज थाने में निस्तारण किया गया है, थाने के द्वारा बैंक के नीचे सैदनपुर में जो निस्तारण किया गया है जी, ये SI और दीवान जी के माध्यम से जी, तो इसके निस्तारण में आज क्या हुआ? आज हुआ का कहन कि हमने लड़की को बुलाया, हम ले गए वहाँ तो लड़की से पूछ जा जी, उन्होंने पैसा देखा तो वहाँ पैसा कम निकल रहा है, वो ज़्यादा बता रहा था। तो लड़की से पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर पैसा आपने निकाला है, तो लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की ने कहा साहब हम इतना पैसा निकाल, हम ज़्यादा निकाल पाई नहीं की है। तो वो पैसा निकाल करके किसको दिया, किसको नहीं दिया, कुछ बताया लड़की? लड़की ने बताया कि हम अपनी सास को दिया। कितना पैसा लड़की को? 10,000 एक दिन। हाँ, 10,000 एक दिन। दस हज़ार एक दिन दो बार लाइन दिन उनका रुपया तो बचा का हुआ। फिर इस मामले से आप सहमत हैं? सहमत यह है कि साहब वो लड़की ले जाए अपनी, हमने किया भेजने के लिए, हम अपने वहाँ रखने के लिए नहीं किया है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं? वो कहेंगे कि आप जैसा कहेंगे वो लोग वैसा मान जाएंगे, मतलब पुलिस जैसा निस्तारण करेगी। हाँ, आप उसी पे अमल रहेंगे। हाँ, आप पुलिस के ही फैसले पे अटल हैं। हाँ हाँ, आप का जो थाने पे यहाँ बात हुई थी बैंक पे लड़की के मोबाइल के बारे में जी, तो क्या लड़की का मोबाइल वापस कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया उन्होंने। हमने कहा मोबाइल ले जाओ, उन्होंने नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया मोबाइल। क्यों नहीं दिया? वो लेकर चले गए अपने घर। अच्छा, तो पुलिस वालों से बताया नहीं मोबाइल? हमने नहीं बताया, फिर गए भी नहीं वहाँ। बस तो लड़की का, आपकी लड़की का मोबाइल अभी तक नहीं दिया? नहीं दिया। क्या नाम है लड़के का? सलाहुद्दीन। उसके बाप का नाम क्या था? हाफिज। मोबाइल हाफिज जी।
मोबाइल तो उसने अभी दिया नहीं? नहीं। क्या कह रहा है उसके बारे में? अब उसके बारे में वो मोबाइल दें हमको और क्या, मोबाइल दें हमको, लड़की ले जाए अपने दवा इलाज करने बस और